सो हेलो एवरीवन, दिस इज सागर एंड वेलकम टू अगेन वीकली न्यूज़ेस। तो गाइस इसके दो पार्ट्स आ चुके हैं, जाके आप उन दो पार्ट्स को भी देख सकते हो। तो गाइस हाँ, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम बात करेंगे सबसे पहले के ड्रामा न्यूज से। तो गाइस के ड्रामा न्यूज में सबसे पहला आता है यूमी सेल, टैक्सी ड्राइवर एंड टेल ऑफ नाइन टेल जैसे ड्रामों के, क्योंकि इन तीनों के ही सेकंड सीजन को कंफर्म कर दिया गया है एंड की जल्दी शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। एंड गाइस सेकंड न्यूज की बात करें तो वो आती है SBS ड्रामा की तरफ से, जिनका एक न्यू ड्रामा है जो कि 6 दिसंबर से ब्रॉडकास्ट होना चालू होगा। तो उन्होंने अपना एक तरीके का पोस्टर लॉन्च करा हुआ है, तो आप देख सकते हो पोस्टर तो काफी कलरफुल और बढ़िया लग रहा है। बाकी आपकी क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। एंड गाइस न्यू अपडेट आती है TVN की तरफ से, जिसने अपना अपकमिंग मिलिट्री ड्रामा जो है उन्होंने वो उसकी घोषणा कर दी है, जेनिथ में जारी कर दिया है। उससे रिलेटेड जो भी आपको अपडेट्स हैं एंड जो भी कास्ट अपडेट्स है वो सब आपको शोर होगी, आप जाके देख सकते हो। एंड गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है, ये एक तरीके से कास्ट रिवील है जो कि नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज में होने वाली है। अब इसके रिगार्डिंग जो अपडेट है, जो डायरेक्टर है वो सबके नाम आपको शो हो रहे होंगे और जो कास्ट है बड़ी ही क्यूट कास्ट लग रही है, तो आपको ये भी शो हो रहा होगा, आप देख सकते हो। आप इससे ज्यादा मेल मैरिन कास्ट को आज तक किसी के ड्रामे में नहीं देखा। बाकी आपके क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। एंड गाइस नेक्स्ट के ड्रामे की बात करें, द मिस्टीरियल क्रॉस के ड्रामा होने वाला है जिसका एक टीजर लॉन्च हुआ है। वेल अगर टीजर का पे कॉपीराइट या स्ट्राइक नहीं लगेगा तो मैं आपको शो कर दूंगा, नहीं तो आपको मेरे पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो आप देख सकते हो। वेल गाइस अब अगले अपडेट की बात करें तो उससे पहले मैं बता दूं ये काफी बिग अपडेट है जो कि मेरे लिए और मेरे ऐसे आयु फैंस के लिए बहुत ज्यादा है। तो गाइस मैं बता दूं आयु का एक न्यू के ड्रामा आने वाला है जो कि इंस्पायर्ड होगा वेबटून, मतलब कि वेबटून बेस्ड ड्रामा देखने के लिए मिलेगा हमें आयु का। होपफुली गाइस मैं तो यही बोलूंगा कास्ट इसमें आयु की जो एंडिंग है वो अच्छी हो, क्योंकि मैंने जो ड्रामे देखे आयु के उसमें एंडिंग बहुत ज्यादा सैड थी, जैसे होटल डेलू ना, बाकी आप देख सकते हो। तो इसकी जो कास्ट है वो आपको शो हो रही होगी और जो भी आर्टिकल वगैरह होगा वो मैं शो करवा दूंगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पॉज करके भी पढ़ सकते हो इसको। एंड गाइस पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था नाउ वी आर ब्रेकिंग अप का जो पोस्टर्स है वो रिलीज हो चुके हैं, एंड अब मैं आपको बता रहा हूँ कि नाउ वी आर ब्रेकिंग अप के जो टीजर है वो अपलोड हो चुका है, वो जाके आप देख सकते हो, आपको शो हो रहा होगा वो टीजर को आप देख करके एंजॉय कर सकते हो। एंड गाइस बता दूं जेरिसन के ड्रामा है वो स्ट्रीम होना शुरू हो गया है, तो आप जाके देख सकते हो। उसके फर्स्ट एपिसोड को मैंने देख करके खत्म कर दिया और आपको बता दिया अपनी पुरानी वाली वीडियो में जो आपको शो हुई होगी आपको स्क्रीन पे, आप जाके उसमें देख सकते हो कि आपको जेरिसन के ड्रामा देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। एंड गाइस नेक्स्ट अपडेट आती है, वो भी काफी बिग अपडेट है कि ट्रू ब्यूटी का एक एनीमे वर्जन या कहें तो एनिमेशन वर्जन की प्रिपरेशन चालू हो चुकी है जो कि हमें देखने के लिए मिलेगा। अब एनीमे वर्जन में देखने के लिए मिलेगा तो और भी ज्यादा कमाल हो जाएगा, क्योंकि एनीमे वर्जन में तो ये चीजें और भी ज्यादा बेहतरीन शो होती हैं, तो मैं तो इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड गाइस अगली न्यूज आती है, नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया हुआ है हॉन्टिंग डॉग जो उनका अपकमिंग एक्शन ड्रामा है उसकी आपको अपडेट शो हो रही होगी। वेल बता दूं ये भी एक वेब ड्रामा होने वाला है जिसके आपको कैरेक्टर्स शो हो रहे होंगे विद उनके वेब कैरेक्टर्स के साथ, बाकी पॉज करके आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो। एंड गाइस नेक्स्ट न्यूज जो आती है वो आती है होम टाउन चाचा चा की जो फीमेल लीड है उनकी मैरिज से रिलेटेड, मतलब कि उनकी मैरिज कंफर्म हो चुकी है अब गाइस, और वो किससे है वो आपको शो हो रहे होंगे। वेल मैंने इन फीमेल मेल लीड को तो किसी के ड्रामे में देखा नहीं है, बाकी आपने अगर देखा तो आप बता सकते हो इनकी मैरिज नवंबर में होने वाली है, तो हमारे इंडिया में कितने ज्यादा फैंस हैं इनसे रिलेटेड, आप भी बता सकते हो कि आप एक्साइटेड हो या नहीं, और अगर आपको भी जाने का कोई प्लान है तो वो भी मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हो। एंड गाइस नेक्स्ट न्यूज जो आती है ये कोई एक तरीके की कंफर्म तो मतलब 50-50 मान सकते हो आप इसको, जो कि है मिस्टर हान है और एक मेल लीड और है, तो इन दोनों का रोमांटिक म्यूजिक ड्रामा आने वाला है जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो सब आपको आपकी स्क्रीन पे शो हुई होगी। वेल मैं बता दूं मैं इससे लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि गाइस म्यूजिकली जो ड्रामेस होते हैं वो अपने स्टोरी लाइन के लिए पॉपुलर होते हैं, और प्लस जो उसमें म्यूजिक देखने के लिए मिलता है वो बहुत ज्यादा कमाल होता है। एंड गाइस अगली न्यूज आती है नेटफ्लिक्स की तरफ से, जो कि नेटफ्लिक्स का अपकमिंग ड्रामा होगा जिसका नाम है डिलीवरी ड्राइवर, जो कि बेस्ड होगा अगेन वेबटून से, तो ये भी देखने के लिए मिलेगा। इसकी कास्ट से रिलेटेड जो अपडेट्स है वो आपको शो हो रही होगी, आप देख सकते हो।
और आप बता भी सकते हो कि आपको कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है इसको देख के। एंड गाइज अगली जो अपडेट आ रही है वो भी काफी ज्यादा कमाल की है, जो है पचीको ड्रामे से रिलेटेड, जो कि आपको पता ही है जो पचीको ड्रामा है वो आपको एप्पल टीवी पे शो एप्पल टीवी पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि इसी साल देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हो आपको विकिपीडिया पे किस तरीके का शो हो रहा है। बाकी लोग मेरे से बोल रहे थे आप इससे रिलेटेड भी अपडेट बताओ लोगों को, कि लोगों को पता नहीं है कि लिमिनो का न्यू ड्रामा आने वाला है जिसका नेम है पचीको, अब जो भी इसका नाम है वो। गाइस मैं बता दूं ये एप्पल टीवी पे आने का मतलब है कि इसके 90% से ज्यादा चांसेस कम हो चुके हैं हिंदी में डब होने के। बाकी अगर ये इसकी पॉपुलैरिटी पे अगर ये पॉपुलर ज्यादा हो गया तो हमें देखने के लिए मिलेगा। हमें देखने के लिए मिलेगा, इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होगी मैं आपको बता दूंगा। एंड गाइस अगली अपडेट आती है जो कि अपकमिंग हिस्टोरिकल ड्रामा से रिलेटेड, जिसमें कास्ट तो काफी दमदार दिख रही है, लेकिन ये हिस्टोरिकल ड्रामा होने वाला है। तो हिस्टोरिकल ड्रामे तो कोरियन लोग बड़े कमाल के बनाते हैं। बाकी जो इसमें कास्ट है उनको मैं पहले भी जगह में देख सकता हूँ, लाइक स्टार्टअप एंड इनको भी देख चुका हूँ, मतलब काफी पॉपुलर कास्ट है, तो हो सकता है कि काफी कमाल का के ड्रामा देखने के लिए मिलेगा। एंड गाइस अगली अपडेट की बात करें तो वो आती है नेटफ्लिक्स की तरफ, जिनका स्ट्रेंजर लॉयर ड्रामा निकल के आता है जिसमें हमें देखने के लिए मिलेंगे, ये तो आई एम नॉट अ रोबोट में देखने के लिए मिले थे हमें, जो कि मेंटोर बनेंगे इन लॉ फॉर्म के, तो ये ब्रॉडकास्ट हुआ 2022 में। एंड गाइस नेक्स्ट न्यूज में नेटफ्लिक्स की तरफ से आई है कि ऐसा माना जा रहा है कि वो रीमेक करने वाला है अपने फेवरेट मोस्ट पॉपुलर के ड्रामे को, जो कि है क्रैश लैंडिंग ऑन यू। तो इसके लिए आप कितने एक्साइटेड हो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस एक लेटेस्ट न्यूज बताना चाहूंगा जो कि जस्ट वीडियो एडिट करते समय मेरे को मिली है, इसकी वजह से मैं वीडियो को फेस कैम में नहीं बना सकता। तो गाइस मैं बता दूं वो न्यूज है इन दोनों एक्टर्स से रिलेटेड, जो कि गाइस आपको देखने के लिए मिलेंगे। वेल गाइस इनमें से एक साउथ कोरियन पॉपुलर ऑस्कर विनिंग मूवी पैरासाइट में मेन लीड थे, और जो दूसरी है जिसको हमने इटोवन जैसे बेहतरीन ड्रामे में देखा था मेन लीड में, और इन दोनों को साथ में हमने इससे पहले दी विच मूवी में भी देखा था, और उसकी सक्सेस को देख करके और इन दोनों की एक्टिंग को देख करके हमें पता ही है कि ये दोनों कितना कमाल कर बेस्ट काम करते हैं। एंड गाइस अब ये दोनों का साथ में एक और ड्रामा आने वाला है जिसमें इनका लव जिसमें इनकी लव स्टोरी देखने के लिए मिलेगी। हमने पिछली मूवी में इन्हें अपोजिट देखा था, और इस बार हमें इन्हें साथ में देखने के लिए मिलेगा, इनकी लव केमिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी। मे बी ये के ड्रामा भी वेबटून से इंस्पायर्ड है। एंड गाइस अब बात करते हैं केपॉप रिलेटेड न्यूज में, जिसमें से नंबर फर्स्ट पे आती है किंग बीटीएस से रिलेटेड, जो कि गाइस मैं बता दूं उनसे रिलेटेड गाइस एक तरीके का स्कैम हुआ है जो कि सिंगापुर में ही हुआ है। मतलब बीटीएस की क्रिप्टो करेंसी के नाम से बीटीएस की लोगों ने स्कैम किया हुआ है। अब गाइस जैसे ही इसकी न्यूज बिग हिट को पड़ी तो बिग हिट ने अपनी साफ साफ बोल दिया कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हम जल्द से जल्द इस पे लीगल एक्शन लेंगे। तो गाइज अगर आपका या फिर आपके किसी साथी का या किसी ने बीटीएस की क्रिप्टो करेंसी में अपना योगदान दिया है तो गाइज उनको जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन में जाके अपनी FIR करवा देनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके का बहुत तगड़ा स्कैम है जिसको बिग हिट ने कंप्लेन की हुई है। और गाइज नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है वो है 7th of November से लेके, जिसमें जेरिशन जो के ड्रामा है उसमें मेरे फेवरेट बीटीएस के जिन की OST आने वाली है जिसका नाम है योर्स। अब योर्स के ऊपर तो मैं बहुत सारे K-pop सॉन्ग सुन चुका हूँ, पता नहीं ये सॉन्ग कैसा होगा। एंड गाइस नेक्स्ट न्यूज आती है एस्ट्रो से रिलेटेड, जो कि एक अपकमिंग के ड्रामा में देखने के लिए मिलेंगे। और गाइस अगली गेम आती है स्क्विड गेम के अनुपम त्रिपाठी से रिलेटेड, जो कि हमारी तरह एक इंडियन है जिन्होंने एक स्पेशल ऑटोग्राफ लिया है ब्लैक पिंक की जेनी का। वेल अगर इनकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, क्योंकि यार जेनी तो भाई कमाल की। एंड गाइस नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है वो है बीटीएस के अमेरिकन अवार्ड्स से रिलेटेड, मतलब कि ऐसे रूमर बताए जा रहे हैं कि बीटीएस जो मेंबर्स हैं वो जल्दी ही हमें बीटीएस के अमेरिकन अवार्ड्स में देखने के लिए मिलेंगे। वेल उसमें वो नॉमिनेटेड तो हैं लेकिन उनका आना जाना कुछ कंफर्म नहीं है। वेल मैं बता दूं जिस समय अमेरिकन अवार्ड्स स्ट्रीम होना शुरू होंगे उस समय बीटीएस का US में ही एक कॉन्सर्ट है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज कुछ ज्यादा ही है कि वो खुद जाकर के वर्चुअली नहीं तो ऑफलाइन जाकर के उसको अटेंड करेंगे। वेल इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो अब वक्त ही बताएगा। एंड गाइस नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो ग्लोबली गर्ल ग्रुप से रिलेटेड, जो कि हाइप लेवल जिसने हमें बीटीएस जैसा लेजेंडरी ग्रुप और TXT जैसा कमाल का ग्रुप दिया हुआ है, उसी की तरफ से न्यूज निकल के आई है कि ग्लोबली गर्ल्स ग्रुप को लॉन्च करने वाले हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस ग्रुप में जितने ही मेंबर्स होंगे वो सबके सब कोरियन ही होंगे या वो सबके सब अमेरिकन ही होंगे, तो गाइज इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारे इंडिया में टैलेंट की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो गाइस आपको भी इसमें अप्लाई करना चाहिए। क्राइटेरिया की बात करूं तो 15 एज है, 15 एज से अगर आपकी उम्र ज्यादा है और अगर आपके अंदर सिंगिंग डांसिंग रैपिंग या म्यूजिक कंपोजिशन टाइप का कुछ भी टैलेंट है तो आप इसमें अप्लाई जरूर कर सकते हो।
आपको एक मिनट से कम की वीडियो बनानी है जिसमें आपको अपना नो फिल्टर यूज किया हुआ किसी भी तरीके की जीरो एडिटिंग से आपको अपने टैलेंट को शो करना है। तो गाइज ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, आपको जरूर करना चाहिए। एटलीस्ट हमारे इंडिया से एक तो मेंबर्स जाना ही चाहिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको अप्लाइंग फॉर्म देखना है। एंड गाइज नेक्स्ट भी एक रूमर ही है जो कि है वीकेंड का एंड जेनी का, जो कि ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं कि इनका हमें एक मीटअप देखने के लिए मिलेगा या फिर कहें तो कोलैबोरेशन वीडियो भी देखने के लिए मिल सकती है। अब गाइज नेक्स्ट पार्ट आता है केपॉप एंड के ड्रामा रिलेटेड न्यूज इन इंडिया। तो गाइज उसमें से जो नंबर फर्स्ट पे आती है वो आती है गाइज अपकमिंग के ड्रामास इन हिंदी डब। तो गाइज वो 5 के ड्रामास आपको शो हो रहे होंगे जिनके बहुत 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 चांसेस हैं जो कि जल्दी हमें हिंदी में डब देखने के लिए मिलेंगे। ये एक्सक्लूसिव नेम है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी यूट्यूबर्स ने आपको बताया होगा। बाकी आपको इन के ड्रामास में से सबसे ज्यादा इंतजार किसका है नीचे बताना ना भूलें। और गाइस नेक्स्ट न्यूज एक तरीके का रूमर ही है, वो भी ये निकल के आता है कि जो बीटीएस का जो इस बार जो कॉन्सर्ट हो रहा है इसके बाद हमें पता पड़ेगा कि बीटीएस का इंडिया में कॉन्सर्ट कौन सा होगा। मतलब इस समय तो यूएस में कॉन्सर्ट होगा एंड उसके बाद जो बीटीएस के जो कॉन्सर्ट्स होंगे, क्योंकि पिछले साल जो कॉन्सर्ट्स हुए थे उसमें इंडिया का नाम सबसे ऊपर था जो कि फिर कोरोना पैंडेमिक की वजह से कैंसिल हो गए। तो हो सकता है हमें अगली बार जो बीटीएस की जो इंडिया में आने वाली डेट है वो जल्द से जल्द कंफर्म होती हुई दिखाई दे जाए। बाकी गाइस आज की वीडियो में बस इतनी ही न्यूज़ थी जो कि मुझे आपको बतानी थी और आपको जाननी ही चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। कहीं भी आपको अगर कुछ भी नॉलेजेबल मिली हो, कुछ भी आपको न्यू, आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं फिर किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे।